हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि व्यवस्था में सुधार करने और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इनमें धान, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, अरहर, उमड़, तिल, चना, सूरजमुखी और कपास आदि शामिल हैं। यहां गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 365 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने पर मुआवजा भी दिया जा रहा है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से फसलों की खरीद हो रही है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना तथा प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। फल और सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 639 FPO से लगभग 85,000 किसानों को जोड़ा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी शुरू की गई है। हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय ने भी हरियाणा में खेती किसानी की व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती की नई तकनीकों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगतिशील किसान योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों ने दूध व खाद्यान्न उत्पादन से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। प्रदेश में वार्षिक दूध उत्पादन 117,00,000 टन से अधिक पहुंच गया है। अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम हो गई है। कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धान की खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती करने वालों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बाजरा की खेती छोड़ने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ और टीलेज बिजाई मशीन से धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। वहीं फसल बीमा के प्रीमियम को लेकर बेहतरीन फैसला किया गया है, जिसके तहत 2 एकड़ से कम जमीन में बुआई करने वाले किसानों के हिस्से का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। 2 से 5 एकड़ तक की बुआई करने वालों की प्रीमियम की आधी किस्त सरकार ही देगी, साथ में राज्य ही हिस्सेदारी तो जमा करवाएगी ही। राज्य सरकार ने फसल नुकसान की मुआवजा रकम में वृद्धि कर दी है। नुकसान की 2 कैटेगरी में मुआवजा 12,000 रुपए से बढ़कर 15,000 और 10,000 को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है। धान, गेहूं, गन्ना और कपास की फसल को 65 से ज्यादा नुकसान होने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस।